आज का वरदान अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहे अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। स्वयं को इस बाह्य जगत से दुनिया में होते अनेक कर्मों से संबंधों पदार्थों साधनों से जो कुछ इन स्थूल नेत्रों से दिखाई देता है उन सब चीजों से डिटैच कर ले। ये सब जो भी दिखता है नश्वर है, जड़ है और क्षण भंगुर है, परंतु मैं चैतन्य अजर अमर अविनाशी हूं। स्वयं को देखे बाह्य जगत से अलग होकर भ्रुकुटी के मध्य केवल अपने ज्योति स्वरूप को देखें, और मन बुद्धि का रुख बाह्य जगत से मोड़कर अंतर जगत से जोड़ ले। चले अंदर की यात्रा में, स्वयं की गहराई में, देखें स्वयं को मेरे अंदर अनेक जन्मों के संस्कार हर कर्म का प्रभाव प्रत्येक स्मृति समाई हुई है अंदर से। मैं आत्मा बहुत गहरी हो पूरे 5000 वर्ष का सारा पाठ मर्च है मेरे अंदर। अंतर्मुखता की गुफा के भीतर चले जाएं और देखें अपने आदि अनादि वास्तविक पवित्र स्वरूप को। मैं आत्मा अपने मूल रूप में अपने पिता शिव बाबा के समान ज्ञान गुणों और शक्तियों की मास्टर सागर हूं। इमर्ज करें
अपने श्रेष्ठ स्वरूप के नशे को। मेरा मूल स्वधर्म शांत है, सुख है, आनंद है, प्रेम है। कितना पवित्र है मेरा सत्य स्वरूप, ज्ञान के रत्नों से भरपूर है। मैं मास्टर नॉलेजफुल हूं। फील करते जाएं, स्वयं के पावरफुल स्वरूप को। यही मेरी वास्तविक दुनिया है। जो ईश्वरीय अमूल्य रत्नों से सुशोभित है, इन्हीं गुणों को बाह्य जगत में सर्वात्माओं में बांटने के लिए ही तो बाबा ने मुझे ये ब्राह्मण जन्म दिया है। अंतर्मुखता के इस चमकते हुए स्वरूप से अब बाहर के कर्मों में आए, ये न्यारी स्थिति मुझे बाबा का और सर्वात्माओं का प्यारा बना रही है। साधारण आत्माओं के मध्य विशेष बना रही है। मेरा हर कर्म ईश्वरीय गुणों को, ईश्वरीय शक्तियों को प्रत्यक्ष कर रहा है। ये मेरी अलौकिक स्थिति इतनी आकर्षक है, जो संगठन के बीच सभी को हम अल्लाह लोग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। फील करें अपने आंतरिक गुणों व शक्तियों को। हर संकल्प, बोल, संबंध और संपर्क में ये मेरा श्रेष्ठ स्वरूप अंतर्मुखी स्थिति चारों ओर अलौकिकता का वायुमंडल बना रही है। सर्वात्माओं को ईश्वरीय प्राप्तियां करा